रतलाम बारिश से पानी पानी हो चुका है। जहां भी नजर जा रही है, नजर आ रहा है तो सिर्फ पानी। जरा ये अलग अलग तस्वीरें देखिए, कैसे जल से जल प्रलय हो चुका है। घरों में पानी, सड़कों में पानी, खेत खलिहानों में पानी। इस पानी ने लोगों को लाख मुश्किलें दी हैं। रतलाम जिले में सुबह से जारी बारिश के बाद शहर के जल स्रोत धौलावाड़ के गेट खोलने पड़े, तो उधर जावरा में पानी के बीच फंसे लोगों को निकालने के लिए नाव चलानी पड़ी। कल सुबह से जारी बारिश दिन भर रुक रुक कर होती रही और शाम से लेकर रात भर झमाझम बारिश हुई। लगातार बारिश की वजह से जिले के लगभग सभी जल स्रोत लबालब होकर उफनने लगे। ऐसे में रतलाम शहर का हनुमान ताल लबालब हुआ और बाहर पानी निकलने लगा। सुबह 10 बजे प्रशासन को धौलावाड़ डैम का एक गेट खोलना पड़ा। जिले में जहां जहां भी नदी नाले उफने, वहां प्रशासन ने आवागमन प्रतिबंधित कर दिया। रतलाम शहर के डाट की पुलिया से लेकर त्रिवेणी क्षेत्र, महू रोड क्षेत्र, बाजना बस स्टैंड क्षेत्र, जवाहर नगर क्षेत्र में जल भराव से लोग परेशान होते दिखे। जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटों में बारिश का आंकड़ा 7 इंच उछला और जिले में अब तक औसत बारिश करीब 39 इंच पर जा पहुंची। जिले के जावरा में भारी बारिश के चलते शहर के बीच निकलने वाली पिलिया खाल का पानी रपट रोड, मालीपुरा, हाथीखाना, नरसिंहपुरा, उदासी की बाड़ी, पाड़ाखाना में जल भराव का कारण बना। इस बीच रपट रोड क्षेत्र में एक परिवार मंदिर की छत पर अपने आप को बचाता दिखा, तो वहीं हाथीखाना क्षेत्र में भी कई परिवार फंस गए, जिसके चलते रेस्क्यू टीम पहुंची और नाव के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। लगातार बारिश को देखते हुए कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने जिले के अमले को अलर्ट रहने के निर्देश दिए, तो वहीं स्कूलों में भी छुट्टी करवा दी। आज जिले के सभी निजी एवं शासकीय स्कूल बंद रहे। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद रतलाम में लगातार बारिश का दौर जारी है। इसी बीच प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। कलेक्टर ने जिले के तमाम अधिकारियों से अपने अपने क्षेत्रों में निगरानी रखने को कहा है। पंजाब केसरी के लिए रतलाम से समीर की रिपोर्ट।